أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CS 401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। दोस्तों ये असाइनमेंट हमारी स्प्रिंग 2021 की है, तो चलिए दोस्तों हम अपनी आज की इस असाइनमेंट को देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड ऑल द डिजिट ऑफ योर VUID एंड स्टोर इन द सम मेमोरी। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने अपने VU का जो हमारा ID है उसका टोटल करके मेमोरी के अंदर सेव करना है। स्टोर ऑल द डिजिट ऑफ VUID इन द मेमोरी, यूज लूप एंड जम्प टू ऐड द डिजिट। इफ द नंबर इज 0 देन द प्रोग्राम शुड नॉट ऐड द डिजिट एंड मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। स्टोर द सम इन एन अदर वेरिएबल। नोट, मेक इट श्योर टू यूज योर ओन VUID, अदरवाइज 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। सबमिशन डिटेल है इसमें कुछ, हम लोगों ने क्या करना है, फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड इन अ सिंगल MS Word फाइल। हम लोगों ने MS Word फाइल के अंदर ये अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, स्क्रीन शॉट ऑफ AFD डिबगर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और फिर हम लोगों ने स्क्रीन शॉट ऑफ AFD डिबगर शोइंग द फाइनल वैल्यू इन द मेमोरी। ये 3 चीजें हमारी उस वर्ड वाली फाइल के अंदर होंगी। तो चलिए दोस्तों हम इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले जो है कुछ चीजें जो हैं वो मैं जरूरी समझता हूं कि आप लोगों से शेयर कर दूं, बल्कि आप लोगों को समझा दूं कि आपने ये असाइनमेंट जो है वो बनानी कैसे है। इसके लिए आप लोगों ने जो है वो डाउनलोड कर लेना है नेफिम भी और डॉफ बॉक्स भी। दोस्तों इसमें हम जो है अपना प्रोग्राम नोट पैड के अंदर लिखेंगे और फिर अपना जो कोड है असेंबली वाला उसको हम फाइल को सेव करेंगे उस नेफिम वाले फोल्डर के अंदर जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है विद द एक्सटेंशन ऑफ .afm यानी कि असेंबली के। ओपन वर्ड पेस्ट कोड हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, फिर ये जो जितना भी हमने कोड लिखा होगा ये हमने उसके अंदर पेस्ट करना है। स्क्रीन शॉट हमने बनाने हैं AFD डिबगर के और फिर हमने उस फाइल को सबमिट करके जो है वो अपने ट्यूटर को सबमिट करवानी है। तो चलिए दोस्तों मैं ये सारा जो है आपको करके भी दिखाता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा आपके LMS से पे, जहां से हम लोग जो है ये नेफिम वाला फोल्डर और जो डॉफ बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है इसको चलाने के लिए वो डाउनलोड करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो गूगल क्रोम पे जाएंगे। यहाँ पे जो है मैंने एक ID ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा हुआ है जिसके अंदर CS 401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर और असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों जहां पे आपको ये नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है आपने यहीं पे क्लिक करना है और इसके बाद देखें ये हमें कोर्स की डिटेल आ गई है। इसको आप अगर देखें लेफ्ट साइड में इस ब्लैक रिबन के बाद, तो यहाँ पे देखें ये डाउनलोड फाइल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आपने डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें आपको जो सबसे पहला लिंक नजर आ रहा है कंटेन ऑल टूल्स नीड फॉर दिस कोर्स लाइक नेफम AFD और लिंकर, तो यहाँ पे ये एरो का बटन दिया हुआ है। आप यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इस पेज को थोड़ा सा नीचे मूव करें तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है डॉफ बॉक्स फॉर असेंबली लैंग्वेज, इसको भी आपने ये एरो के बटन से जो है वो डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये जो दोनों चीजें हैं ये मैंने डाउनलोड करके जो है वो कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर रख ली हैं। यहाँ पे देखें ये जो है ये FM वाला सॉफ्टवेयर वाला है और ये हमारा डॉफ बॉक्स है। तो हम सबसे पहले जो है इसको अनजिप करते हैं और अनजिप करने के बाद जो है ये देखें ये मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कॉल किया और इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखें ये हमें जो है FM सॉफ्ट और ये उसके अंदर सारी ये देखें AFD है
ये लिंकर है और ये नफी में ये सारी फाइलें यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने कंप्यूटर के ऊपर और किसी भी एक ड्राइव के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की जो है वो ई ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने नेफिम का एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर वो सारी फाइल यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने जो है वो डॉसबॉक्स वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसको भी मैं आपके सामने इंस्टॉल कर देता हूं। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप ऑन योर कंप्यूटर, तो आपने इसको यस कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको हम जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे देखें, मैं डेस्कटॉप दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये आपका डॉसबॉक्स वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होकर आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले जो है वो नोट पैड ओपन करना है जिसके अंदर आपने ये प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नोट पैड जो है वो लिखूंगा। सर्च किया, नोट पैड पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने जो है वो नोट पैड ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो है मैंने अपने वो जो प्रोग्राम है वो लिखना है, तो हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आ गया जी ORG ORGINATE 0x100, तो ये आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो रजिस्टर है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है हम इसकी जो टर्मिनेशन आखिरी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मूव AX और उसके बाद कॉमा 0x4C00 और उसके बाद इंट, इंट के बाद हमारा 0x21। ये इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। मैं फाइल पे जाऊंगा और इस फाइल को मैं करता हूं जी सेव। और सेव आपने कहां करना है, जहां पे आपने जिस ड्राइव के ऊपर भी आपने वो नेफिंग वाला फोल्डर रखा है, तो मैंने ई ड्राइव के ऊपर रखा हुआ है, तो ई ड्राइव पे जाऊंगा और यहां से ये नेफिंग वाला फोल्डर सेलेक्ट करूंगा और यहां पे जो है मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा। और दोस्तों ये याद रखना है कि आपने जो भी फाइल का नाम रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फाइल का नाम, जैसे मेरा नाम है जी मोफिन, तो मैं अपनी फाइल का नाम mofin.asm, ये आपने जो है जरूर करना है। इसके आखिर में .asm यानी कि असेंबली जो है वो जरूर लिखना है, वरना आपका जो डॉस बॉक्स है उसके अंदर ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो मैंने मोफिन लिखा और .asm लिख के इस फाइल को जो है उसी फोल्डर के अंदर जो है मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम पर चलते हैं। हम सबसे पहले जो है लिख रहे हैं जी JMP यानी ये जंप की इंस्ट्रक्शन है और यहां से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। हम सबसे पहले जो है वो दो वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर एक के अंदर हम लोग जो है अपना VU का जो ID है वो स्टोर करवाएंगे और एक के अंदर जो है हम अपना जो सम आएगा उनको जमा करने के बाद वो स्टोर करवाएंगे। तो यहां पे देखें मैंने जो है दो वेरिएबल लिए, num1। अब num1 जो है इसकी जगह आपने दोस्तों क्या करना है, आप लोगों ने ये वेरिएबल के जो नाम है आपने इनको जरूर चेंज किया। मैंने जो है यहाँ पे num लिखा है तो आप इसको जो है चेंज भी कर सकते हो, number #1 भी कर सकते हो, या आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने num1 लिखा और num1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन वर्ड लिखा, जिसके जरिए मैं एक वर्ड को डिफाइन करूंगा और उसके बाद आपने आगे जो है अपना VU का ID लिखना है। वो कैसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो VU का ID है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट सा एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी सब दोस्तों ने जो है अपना अपना खुद लिख लेना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ID है वो है 8,7,6। आपका जैसे BC 100020 आपने वो BC को छोड़ देना है और डिजिट आपने लिख लेने हैं। तो यहाँ पे जो है अगर किसी का MC से स्टार्ट होता है तो आपने MC को छोड़ के 19020 या 2100, इस तरीके से जो भी आपका ID हो वो आपने यहाँ पे ID विद सेपरेटेड कॉमास जो है वो लिख लेना है। इसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया जिसको मैंने num2 कहा। तो आपने जैसे पहले एक वेरिएबल लिया है उसको num1 लिखा है, दूसरे को मैंने num2 लिख दिया, तो इसको मैंने लिखा DW यानी डिफाइन वर्ड और इसको मैंने कर दिया है 0। ये 0 मैंने इसलिए किया है कि हमारा जो रिजल्ट है वो अभी
जीरो है, यानी इसको जो नम टू है इसको मैंने इनिशियलाइज विद जीरो कर दिया। इसके बाद हम स्टार्ट लिखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद जो है हम इसमें इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हमने पहली इंस्ट्रक्शन लिखी मूव ए एक्स कॉमा जीरो। हम इसके लिए दो रजिस्टर अभी मैं यूज कर रहा हूं, ए एक्स इसको भी इनिशियलाइज जीरो कर दिया और मूव, और लिखा मैंने बी एक्स इसको भी मैंने जीरो के साथ इनिशियलाइज कर दिया। इन दोनों रजिस्टर्स के साथ जो है हम अपना ये वीडियो का जो आईडी है उसको सम अप करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हमने चलाना है लूप। लूप कैसे चलाएंगे उसके लिए आप लोग लिखोगे लूप वन, और ये इसका लेबल आ गया। अब इसके अंदर जो है वो मैंने चीजों को जमा करना है। सबसे पहले मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी मूव ए एक्स, यानी कि अब देखें पहले जो है मूव ए एक्स के अंदर मेरा जीरो पड़ा है। अब यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने मूव ए एक्स और यहां पे मैंने लिखा नम वन जमा बी एक्स, यानी कि आपका ये जो नम वन है यहां पे एट आ रहा है, इसको आप ऐड कर दो बी एक्स के साथ। बी एक्स के अंदर देखें पहले जीरो पड़ा है, तो हमने नम वन यानी कि एट जमा जीरो और इन दोनों वैल्यूज को उठा के ए एक्स के अंदर डाल दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है जी, कंपेयर, कि हमारी वो जो वैल्यू आई है ए एक्स के अंदर उसको हमने कंपेयर करना है जीरो के साथ। अगर तो वो जीरो है तो वो उसको स्किप कर दे, अगर वो जीरो नहीं है तो फिर वो उसको ऐड कर दे। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक शॉर्ट जंप लेना है जे बी ई मैंने लिखा। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे हैंडआउट के अंदर भी मौजूद है, तो यहां पे मैंने लिखा एड नंबर। आपने सबसे पहले कंपेयर करना है, अगर तो नंबर जीरो है उसको स्किप कर देना है, अगर नंबर जो है वो जीरो नहीं है तो फिर उसको एड नंबर के ऊपर लेकर जाना है। एड नंबर जो है ये हमारा जो है एक लेबल है, यहां पे मैं आप लोगों को एड नंबर पे यहां पे हम लिखते हैं एड, और बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अगर आप वेरिएबल का नेम कॉपी कर लेंगे तो आपके जो है गलती के चांसेस वो कम से कम होंगे। हमने इसको कॉलन लगाया, और उसके बाद देखें जब हम ऐड नंबर के ऊपर आते हैं तो हमने कहा ऐड करो बी एक्स कॉमा टू, यानी कि पहला जो नंबर है इसके बाद जो है वो बी एक्स दूसरे नंबर को इसके साथ ऐड कर लेगा कंपेयर करने के बाद। उसके बाद फिर कंपेयर करेगा सी एम पी कंपेयर बी एक्स, और यहां पे जो है वो मैंने लिखा दोबारा कॉमा लगाया और 5 लिखा। अब यहां पे देखे मैंने सिर्फ तीन नंबर लिए हैं और इन तीन नंबर्स के बाद जो है वो मैंने खत्म कर दिए हैं, तो यहां पे आपका जो वीयू का आईडी है वो तकरीबन 9 नंबर तक होगा। तो आपने जो है यहां पे 9 नंबर से ज्यादा का कोई भी नंबर ले लेना है ताकि वो वहां तक आपका लूप चलता रहे। तो यहां पे मैंने जो है वो 5 ले लिया। उसके बाद फिर मैंने लिखा जे एन ई, यानी कि एक जंप लिया, और फिर मैंने इसको कह दिया कि लूप वन, कि यहां से जो है वो फिर आप लूप वन पे चले जाएं। और लूप वन पे जाने के बाद देखें यहां पे हमने ऐड नंबर तक जो है वो आ गए थे। अब यहां पे देखें अगर नंबर जीरो है तो वो स्किप कर देगा, अगर नंबर जीरो नहीं है तो वो उसको ऐड करेगा। अब वो ऐड कैसे करेगा, ऐड ऐड और फिर मैंने लिखा बी एक्स कॉमा टू, ये बी एक्स कॉमा टू लिखा, इन नंबर्स को वो ऐड कर देगा, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कंपेयर करने के लिए सी एम पी कंपेयर बी एक्स और कॉमा 5, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मैंने क्यों लिखा है। इसके बाद हम लिखेंगे जे एन ई और लूप एल डबल ओ पी लूप और 1, यहां से भी वो लूप 1 पे चला जाएगा अगर नंबर 0 है तो, अगर नंबर 0 नहीं है तो वो फिर जे एन ये जो हमने जे बी ई लिया है वो यहां से जंप लगा के एड नंबर के ऊपर आ जाएगा, ये हमने जो लिखा है। इनको जो है मैं इकट्ठा आप लोगों को करके दिखा देता हूं, फालतू जो स्पेस है वो खत्म कर देता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा पूरे जो प्रोग्राम हमने लिखना है उसका कंप्लीट कोड। इसको मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने चले जाना है जी अब डॉस बॉक्स के अंदर और इसको कंपाइल करके रन करना है। उसके लिए हम लोग जो है
डॉस बॉक्स पे जाने के लिए स्टार्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया, वैसे डेस्कटॉप पे भी उसका आइकॉन जो है वो मौजूद था। यहाँ पे जो है हमने डॉस बॉक्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है वो डॉस बॉक्स जो है वो ओपन हो गया। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, इसमें हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो माउंट करवाना है। हमने देखे ई ड्राइव के अंदर जो है अपना वो नेफिम वाला फोल्डर बनाया था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं माउंट, ताकि वो उसकी एक वर्चुअल ड्राइव हम बना सके। मैंने जो है ड्राइव का नाम रखा जी सी और इसके बाद लगा दिया कॉलन। उसके बाद आपने उस ड्राइव का नाम रखना है जिसके अंदर आपने वो फोल्डर बनाया है, तो उसका मैंने ई लिखा और उसके बाद बैक स्लैश डाल के आपने लिखना एन ए एफ एम यानी कि नेफिम और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ मैसेज भी आ गया, ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी ई नेफिम। इसके अंदर आपने क्या करना है, आप ई ड्राइव के सी ड्राइव के ऊपर चले जाना है जिसको आपने माउंट किया। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा सी और एंटर किया तो यहाँ पे हम इसके अंदर आ गए। यहाँ पे आप डायर करके चेक भी कर सकते हैं, वो जो सारी फाइल हमने यहाँ पे पेस्ट की थी वो यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने सी एल एफ लिखा और क्लियर स्क्रीन कर लिया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपनी उस फाइल को कंपाइल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एन ए एफ एम नेफिम लिखना है कि हम जो उसके अंदर फाइल नेफिम वाली पड़ी है उससे मुखातिब है। उसके अंदर लिंकर भी है, उसके अंदर डिबगर भी है। डिबगर भी अभी मैं आपको जो है वो ओपन करके दिखाऊंगा और बल्कि समझाऊंगा कि कैसे हम डिबगर को यूज करते हैं। तो हमने नेफिम लिखा और मेरी जो फाइल है उसका नाम था मॉफिन, मॉफिन के बाद जो है डॉट ए एफ एम, कि ये हमारी असेंबली वाली फाइल को लो और उसको आउटपुट वाली फाइल के अंदर जनरेट करो, यानी माइनस ओ आउटपुट वाली फाइल बनाओ और उस आउटपुट वाली फाइल का नाम हमने क्या रखना है, मॉफिन डॉट कॉम। इसके बाद आपने माइनस एल यानी कि लिफ्टिंग वाली भी एक फाइल बनाओ। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, उसका जो यूआरएल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाएं और वहां पे मेरे असेंबली के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपको बेसिक जो है वो इंशाल्लाह वहां से सीखने का मौका मिलेगा। तो आप उन लेक्चर से जरूर फायदा उठाएं, या यूट्यूब में आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन लिखेंगे तो इंशाल्लाह वहां पे भी मेरा चैनल आ जाएगा और आप वहां पे जो असेंबली के लेक्चर हैं उनको जरूर सुने और उनसे फायदा उठाएं। इसके बाद हमने क्या लिखा, मॉफिन डॉट एल एफ टी यानी कि लिस्टिंग वाली फाइल का नाम, और इसके बाद हमने कर देना है एंटर। जब हम एंटर कर देंगे, अगर आपकी फाइल के अंदर कोई एरर है तो वो यहाँ पे सिंटेक्स एरर या कोई भी एरर होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर कोई एरर नहीं है तो वो दोबारा हमें उसी ड्राइव के ऊपर लेकर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने डीबगर के अंदर इस फाइल को चलाना है जो हमने आउटपुट जनरेट किया मॉफिन डॉट कॉम को। तो हमने यहाँ पे लिखा ए एफ डी और उसके बाद लिखा मॉफिन डॉट कॉम और एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो डीबगर आ गया। अब हमने इसका लेना है स्क्रीनशॉट और वर्ड वाली फाइल के अंदर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो है वो मैं वर्ड वाली फाइल ओपन कर लेता हूं और यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले तो आपने जो है इस सारे कोड को करना है कॉपी और यहां पे लाके पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने उस डॉस बॉक्स को जो है जो आपके पास चल रहा है, इसको मैं साइड बाय साइड जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपका नोटपैड भी सामने खुला रहे और प्रोग्राम भी आपका चलता रहे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या करना है, इफ डीबगर की भी स्क्रीनशॉट लेनी है। तो आप उसके लिए स्निपिंग टूल भी यूज कर सकते हो। मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया और एफ एन आई स्निपिंग टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये आ गया, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से इफ डीबगर की जो है वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है। इसको मैंने कॉपी किया और अपनी उसी वर्ड वाली फाइल के अंदर जाकर पेस्ट कर देना है। यहां पे आपने ऊपर लिख देना है जी स्टार्टिंग स्टार्ट प्रोग्राम, तो ये हमने जो है यहां पे कर दिया है। इसके बाद आपने एक इमेज और लेना है जब आपका प्रोग्राम रन होके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने डीबगर ओपन किया। अब यहां पे देखें आपने जो है यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आ रहा है और यहाँ पे देखें ax के अंदर भी जीरो वैल्यू है और bx के अंदर भी जीरो वैल्यू है और यहाँ पे डीबगर के अंदर जो है आपने f1
का बटन प्रेस करना है तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आगे मूव होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बार F1 प्रेस किया तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मूव हो गई, फिर F1 किया, फिर F1 किया और फिर F1 किया, तो यहाँ पे देखिए AX रजिस्टर के अंदर आपका जो पहला VU का ID का डिजिट है, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने 8 लिखा था, वो यहाँ पे 8 जो है वो आ गया है। इसके बाद आपने फिर F1 प्रेस करना है, फिर F1 प्रेस करते चले जाना है। इसके बाद आपका जो दूसरा डिजिट है वो 7 था, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर 7 आ गया। इसके बाद फिर F1 किया, फिर F1 करते चले जाएं, इसके बाद देखें 6 आ गया। इसी तरह हम इसको F1 करते चले जाएंगे और यहाँ पे जो है वो AX देखें दोबारा 0-0 आ गया। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे आपने इसकी फिर जो है एक बार जो है वो स्निपिंग टूल के जरिए जो है इसका इमेज लेना है। इसको दोबारा मैंने क्रॉप किया और क्रॉप करने के बाद इसको मैंने इमेज किया। इसको कॉपी करने के बाद उसी वाइल्ड वाली फाइल के अंदर आपने लिखना एंड प्रोग्राम और यहाँ पे पेस्ट कर देना और इस फाइल को आपने सेव करके अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। उम्मीद है आप लोगों को जो है आज की असाइनमेंट, ये जो हमारी कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज की है, ये समझ आ गई होगी। दोस्तों आप अपने LMS के थ्रू जो है वो डाउनलोड करें NFM को, डॉफ बॉक्स को, नोटपैड ओपन करके अपना कोड करें और कोड करने के बाद आप इनके स्क्रीनशॉट लें और अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों आखिर में मैं फिर यही कहूंगा, www.youtube.com/teachersonlineforyou पे जाएं और वहां पे जो मेरे असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDP सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।